और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो AQI अब 300 के पार हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 लागू किया गया है, ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया गया है, ग्रेडेड एक्शन प्लान इसका दूसरा चरण लागू किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 2 लागू तो किया गया है, लेकिन साल दर साल यही देखा गया है कि ऐसे कदमों से कोई फायदा होता नहीं है। दिल्ली और एनसीआर इस मौसम में अक्टूबर और नवम्बर के दौरान किसी गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं, और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से यहाँ धुआं और धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम मंदिर का ये दूर से नजारा देखा जा सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिल स्टेशन हो, लेकिन ये हिल स्टेशन नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर का इलाका है जो कि गैस चैम्बर बदल रहा है। तो जहरीली यहाँ पर हवा हो चली है और लोग सांस लेने को मजबूर हैं। तस्वीरों को आप देखिए, आज से दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां हैं, उसकी भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। इन सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका की बात करें तो यहाँ पर भी 300 के पार पहुंच चुका है ये पूरा का पूरा AQI, और दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से ही ग्रैप 2 यहां पर लागू हो जाएगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। आज से क्या क्या पाबंदियां लागू होंगी वो हम आपको बताते हैं। ग्रैप 2 से जो पाबंदियां हैं उसमें डीजल जनरेटर चलाने पर रोक होगी, प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ साथ CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर देंगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा लकड़ी या कोयला ना जलाए। इसी के साथ साथ नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से जलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 केवी से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वहां रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। तो ये तमाम कदम हैं जो कि ग्रैप 2 के तहत उठाए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम काफी हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, आने वाले दिनों में इनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि साल दर साल दिल्ली एनसीआर के लोग यही देखते रहे हैं कि इन उपायों का बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। बिल्कुल, और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई है कैनॉट प्लेस से। नीतू, इस वक्त तस्वीरें दिखाए और किस तरह से जो वायु प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए परेशानी तो बढ़ती जा रही है। अगर आप दिल्ली के ओवरऑल AQI की अभी बात करें तो 317, और सबसे ज़्यादा ये आनंद विहार में बना हुआ है 382। अब जरा सोचिए इस हवा में दिल्ली वाले कैसे सांस ले। और ये तस्वीरें इस बार की नहीं, हर साल की है। मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर कनॉट प्लेस की आप बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि एरिया NDMC में आता है, लगातार स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों को भी साफ करने की तमाम कोशिशें। मेरे पीछे AQI का बोर्ड अगर मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ तो यहाँ पर फिलहाल AQI 196 है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है AQI भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये CP का है, पूरी दिल्ली कनॉट प्लेस जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर दिल्ली के बाकी इलाकों की बात की जाए, चाहे बात अलीपुर की हो, मुंडका की हो, वजीरपुर, द्वारका, रोहिणी, तमाम जो ये हॉटस्पॉट है, यहाँ AQI ये लुटियन जोन है नीतू, और ये लुटियन जोन ये बहुत एक छोटा सा इलाका है, और दिल्ली का जो अधिकतर इलाका है वो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं है जहां पर स्प्रिंकलर से जो है छिड़काव किया जा सके या तमाम कदम उठाए जा सके। लेकिन इन सब के बीच वायु प्रदूषण बढ़ने के जो कारण है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल खस्ता हाल सड़कें और उनसे उड़ने वाली धूल वायु प्रदूषण की एक बड़ी अहम वजह है। इन सब के साथ साथ सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में प्रदूषण का। खुले में लकड़ी और कोयले को जलाया जाता है और इसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ता है। निर्माणाधीन इमारतों से निकलने वाली जो धूल होती है वो भी वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह होती है। इसके साथ साथ जो पराली जलाने की घटनाएं होती हैं उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है। नीतू, हम देखते रहे हैं जो ये ग्रैप 1 है ये लागू किया जाता है, ग्रैप 2 लागू किया जाता है, लेकिन इन कदमों का साल दर साल हम देखते रहे बहुत फायदा नहीं होता दिखा है। क्या कोई बड़े कठोर कदम उठाए गए हैं या इस साल भी वैसे ही सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए दिखती है सरकारें? देखिए, अगर आप जमीनी हकीकत की बात करें तो हर साल हम प्रदूषण पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, और हर साल अक्टूबर नवंबर वो दो महीने होते हैं जिसमें दिल्ली वाले बहुत परेशान होते हैं। अब जरा आप सोचिए, कई जगह पर AQI इतना ज्यादा है कि जब आप ऐप खोलेंगे तो वहां लिखा आएगा कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप इस हवा में ज्यादा देर रहे तो आपको सांस संबंधित बीमारियां हो सकती है। हर बार की ये तस्वीरें दिल्ली में उतरे तो आपको 30 से 40 स्प्रिंकलर जगह जगह पानी का छिड़काव करते नजर आएंगे, लेकिन राजधानी इतनी बड़ी है और जिस तरह से अभी आपने बताया चंदन, सब इतने खुशनसीब नहीं है जितना लुटियंस का साफ इलाका है। बाकी अगर आप दिल्ली को देखें
13 चिन्हित हॉटस्पॉट, और इन 13 चिन्हित हॉटस्पॉट पर हर बार दावे और वादे किए जाते हैं कि पानी का छिड़काव ज्यादा होगा, उसे और बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। प्रदूषण रोजाना बढ़ता जा रहा है। सही बात आप कह रही हैं नीतू, और लौटेंगे आपके पास। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रदूषण का सेहत पर किस तरह से असर पड़ रहा है। सांस से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों का खतरा मंडराते जा रहा है। किडनी खराब हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा लोगों के लिए है। हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा भी इस वायु प्रदूषण की वजह से होता है। वहीं बुजुर्गों के दिमाग पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है, जबकि गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी खतरा बढ़ जाता है। त्वचा में रूखापन और जलन हो जाती है, और ये वो तमाम समस्याएं हैं जो प्रदूषण की वजह से आम लोग झेलते हुए नजर आते हैं। और साल दर साल दिल्ली NCR इसी तरह पूरी तरह से प्रदूषण की वजह से इस अभी आने वाले कुछ दिनों में हालात और भी खराब होते जाएंगे। एक दूसरे सरकारों पर दावा किया जाएगा, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन एक चीज जो साल दर साल नहीं बदल रही है वो ये है कि ये ऐसा लगता है दिल्ली NCR वालों की नियति हो चुकी है। अक्टूबर और नवंबर का महीना डराता है, क्योंकि इस दौरान सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर, हर जगह आपको ऐसी समस्या झेलनी पड़ती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है। जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती कर दी गई है। बताया गया कि मौसम विभाग की ओर से मिले आंकड़ों की व्यापक समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली में गुनगुनी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, प्रदूषण का मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियों के तहत चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से सड़कों पर धूल को रोकने के लिए हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया है। ठंड के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। हवा और पानी जहरीला होता जा रहा है। दिवाली से पहले ही लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ बनी हुई। नीतू, अगर बात करें इस मामले पर, आप देखिए जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी BJP पर ढिकरा फोड़ती है, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाती है कि अन्य राज्यों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इस प्रदूषण को कम करने के लिए कैसे कदम उठा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, वो बैठक कर रही हैं गोपाल राय के साथ। हाल ही में एक और बैठक की गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि ग्रेप 2 लागू कर दिया गया। इससे पहले एक बैठक हुई तो ग्रेप का पहला चरण दिल्ली में लागू किया गया था। लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी चिन्हित हॉटस्पॉट है वहाँ पानी का छिड़काव हो, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ लगातार पानी का छिड़काव हो, और अगर कंस्ट्रक्शन साइट बड़ा है तो उसे ढक के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाए। जो भी हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ सड़कों की सफाई हो, कूड़ा कचरा नहीं जलाया जाए। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, सरकार लोगों से भी अपील कर रही है कि आप खुद भी प्रदूषण जैसी जो समस्या है उसे लड़ सकते हैं। ग्रीन ऐप है दिल्ली सरकार का, यह ऐप जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर कोई कूड़ा कचरा चलाता है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली का एक और, जहाँ सियासी पारा गर्मा रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की जो समस्या है जिससे हर साल दिल्ली वाले दो चार होते हैं, यानी दिल्ली NCR में कहते हैं जैसे ही अक्टूबर आएगा दिल्ली जो सफ़ेद चादर होती है धुंध की, उससे ढकी हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी BJP पर आरोप लगाती है, और BJP लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हर साल के प्रदूषण की तरह नहीं, तो ये भी एक रस्म अदायगी सी रह गई है कि हर बार जो है देखने को यही मिलता है, रटे रटाए डायलॉग होते हैं, उन्हें दोहराया जाता है, और आम जनता को समझ में नहीं आता आखिर सवाल वो पूछे तो किससे पूछे कि आखिर प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से बचना कैसे है आपको। बिल्कुल, तो देखिए प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय आप अपना सकते हैं। जितना हो सके घर के भीतर ही रहें, हालांकि ये मुमकिन नहीं हो पाता है, और जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। हवा साफ करने वाले पौधे आसपास लगाएं ताकि आपके फेफड़े सुरक्षित रह पाए। भाप लें यानी स्टीम लें, दिनचर्या में योग को शामिल करें, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं, पीने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। ये तमाम वो उपाय हैं, ये आप अपना सकते हैं, अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार संस्थाएं और सरकारें हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा दिल्ली NCR के लोग अब शायद उम्मीद नहीं लगाते। Z News।